नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज बर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी अनुराग आर्य द्वारा चलाए गए वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां थाना कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको पूरा मामला बता दें तो जनपद रांची प्रांत झारखंड की रहने वाली एक पीड़िता दिनांक 1/7/2023 को प्रार्थना पत्र दिया था कि पीड़िता के मां का पैर टूट गया है, जिसका इलाज ट्रामा सेंटर सदर अस्पताल में चल रहा था। पीड़िता अपनी मां की देखभाल करती थी। पीड़िता के मां के बगल के बेड पर जैद खान बेड नंबर 5 पर भर्ती था, जिसकी देखरेख ताहिर सना बदरे आलम निवासी शाहपुर निवादा थाना जीएनपुर करता था। वहीं 30/6/2023 को रात्रि करीब 3 बजे पीड़िता की मां के बेड के नीचे आकर पीड़िता का मुंह दबाकर उसके वस्त्र खोलकर गलत काम करने की कोशिश किया। पीड़िता चिल्लाई तो सभी लोग जाग गए और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो वहां से भाग गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 358/23 धारा 376 SC/ST एक्ट पंजीकृत विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा संपादित की गई। वहीं आपको बता दें गिरफ्तारी के विरोध में तो संजय तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद ताहिर पुत्र बदरे आलम निवासी शाहपुर निवादा थाना जीएनपुर जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की खास सूचना पर हाफिज चौराहे पर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अग्रिम कार्रवाई की